दिव्यांग का जुनून, निकाय चुनाव में बना महापौर प्रत्याशी, ट्राई साइकिल से चलकर कर रहा प्रचार प्रसार। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम महापौर पद के लिए प्रेमनाथ जायसवाल नाम के दिव्यांग व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद अब उसने ट्राई साइकिल में सवार होकर प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। दिव्यांग व्यक्ति का जुनून देखकर लोग अचरज कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिव्यांग व्यक्ति प्रेमनाथ जायसवाल अंडे का ठेला लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं तथा छोटे छोटे बच्चों को निःशुल्क में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रीवा नगर निगम की अनारक्षित सीट में 13 प्रत्याशी अपना भाग आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिसके कारण अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है तथा चुनावी वादे और दावे के साथ नेता मैदान पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीवा नगर निगम में भी नेताओं ने अपनी ओर से चुनावी बिगुल बजा ली है तथा मैदान में उतरकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इसी बीच रीवा नगर निगम चुनाव के मद्देनजर अब एक दिव्यांग व्यक्ति ने महापौर बनने का दावा पेश किया है तथा शहर की मूलभूत समस्याओं को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है, जिसके लिए उनके द्वारा ट्राई साइकिल में चलकर अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दरअसल प्रेमनाथ जायसवाल नाम का एक दिव्यांग व्यक्ति ने रीवा नगर निगम के महापौर पद के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद लोग उनके जुनून देखकर अचरज कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रेमनाथ जायसवाल महापौर प्रत्याशी से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा नाम प्रेमनाथ जायसवाल है, मैं रीवा महापौर पद हेतु प्रत्याशी हूँ और मेरे चुनाव चिन्ह नल है। मैं ये सबसे प्रथम जो अतिक्रमण में वोट बैंक की राजनीति चल रही उसके खिलाफ पहला मुद्दे को आधार बनाते हुए मैं महापौर प्रत्याशी हेतु आया हूँ। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव के? शिक्षा, रोजगार, व्यवसायिक प्रशिक्षण और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए। आपका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? मेरा जीविकोपार्जन, मैं दुकान लगाता हूँ चना अंडे की दुकान भी चलाते हैं। तो आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? हाँ। कैसे? बच्चों को घर घर जाके दो दे दिए, कुछ तो ले लिया, नहीं मैं सोचता उनको निःशुल्क पढ़ा। दिव्यांग हैं और रीवा पूरे शहर में कैसे प्रचार करेंगे, किस प्रकार से लोगों तक पहुँच पाएंगे? मैं चूँकि लगभग 4500 वार्ड में हल गलियों में पलटित हूँ, पहचानते हैं, और मेरा चुनाव प्रचार का माध्यम यही टाई सिकिल रहेगा। टाई सिकिल के द्वारा लोगों के हर वार्ड हर गली में पहुंच जाऊंगा।